बातें मन के भीतर करवट ले, हौले हौले आग जले, धीरे धीरे ताप लगे, ना धुआं ना जलन ना कोई चिंगारी। थैंक यू सर। दोस्तों, आपली मराठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलते हैं म्यूजिक कंपोजर रोहित शर्मा के पास। रोहित शर्मा को कौन नहीं जानता। कश्मीर फाइल जैसी बड़ी बड़ी फिल्में देने वाले रोहित शर्मा को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी मिल चुका है। काफ़ी एल्बम्स में काम किया है और काफ़ी बड़ा नाम है। अभी हाल ही में अगर बात करें तो द वैक्सीन वार करके एक फिल्म आई है जिसमें इन्होंने म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। मीडिया से आज बात की, क्या है फिल्म की कहानी, कैसे रातों रात में एक हीरो बन गए, सभी बात की। देखिए हमारी खास मुलाकात रोहित शर्मा के साथ। क्या मकसद है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली यही है, अपना द वैक्सीन वॉर जो है उसका म्यूजिक के लिए, और काफ़ी क्रिटिकल एक्लेम मिल रहा है इसको, फिल्म को। जो भी लोग देखने जा रहे हैं वो मतलब आंसू बहाते हुए आ रहे हैं। तो उसके पीछे जो म्यूजिक का रोल है उसके बारे में ये इंटरेक्शन है। किस तरह का अनुभव रहा? इस थीम पे फिल्म बन रही थी। रोमांटिक फिल्मों के लिए गाने बनाना बहुत आसान होता है, इस तरह के गंभीर इश्यूज पे जब फिल्म बनती है तो डायरेक्टर की तरफ से क्या मिलता है आपको टिप्स? हाँ, मतलब जिस तरह का सब्जेक्ट था ना, थोड़ा मुश्किल था इसको टैकल करना, क्योंकि जिस तरह की इस तरह की फिल्म जो वेस्ट में बनती है ना, उनमें आमतौर पर म्यूजिक बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इस तरह की फिल्म का काम करना था तो थोड़ा मतलब इमोशन और ड्रामा को क्रिएट करना था, तो काफ़ी चैलेंजेस थे और काफ़ी टाइम लगा इसका काम करने में। साइंटिस्ट के ऊपर मूवी बनी है सर ये, क्योंकि जो गाना बनता है कहीं ना कहीं स्टोरी को लेकर सिंगर को काफ़ी मुश्किलें आती हैं कि लव स्टोरी है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इस सीन के लिए कितना मुश्किल था ये? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि एक तो वैसे भी कोई गाना तो नहीं है इसके अंदर। एक भारत एक खोज में वनराज भाटिया ने एक कंपोज किया था, नसादी सूक्त बोलते हैं उसको, तो उसको हमने रिक्रिएट किया है और उसका ऑर्केस्ट्रल वर्जन यूज़ किया है। बट ये वो पार्ट जो है यूज़ हुआ है बेसिकली जिस समय वो लॉकडाउन हुआ था कंप्लीट और सब कुछ सुनसान था, उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, हॉरर्स ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन। बट वैसे इसके अंदर बेसिकली जो मेन म्यूजिक है वो बैकग्राउंड स्कोर है, तो इसमें थीम्स हैं अलग अलग तरह के। उस तरह के थीम्स हैं जिसमें आप कोरोना का जो जब फर्स्ट टाइम देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप में, तो उसके हॉरर्स हैं। प्लस जितने भी लोग क्या बोलते हैं अपना, जो साइंटिस्ट जो महिलाएं हैं खासतौर पे, वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं, तो उसका पूरा इमोशनल ग्राफ था जिसको थीम्स वगैरह से उसको मतलब अंडरलाइन किया गया है। पिक्चर को बहुत सारे प्रोफाइल की बात करें रोहित जी, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहला गाना कौन सा आया था आपका? मेरा सबसे पहला गाना तो आया था शिप ऑफ थीसियस, एक फिल्म थी काफी क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, उसमें एक चैंट था ना हम जाना मी, तो सॉन्ग कहेंगे तो वही आया था। बट उसके बाद फिर बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में 8-10 गाने थे। सबसे बड़ा ब्रेक किसमें मिला आपको? एक्सपोजर कह सकते हैं या एक मील का पत्थर? सबसे बड़ा मील का पत्थर तो मेरे लिए कश्मीर फाइल्स रही है। कश्मीर फाइल्स जो है उसका, क्योंकि काफी बड़ा उसने बिजनेस भी किया और काफी चर्चे में रही फिल्म, कंट्रोवर्सी भी काफी रही, क्या उसमें म्यूजिक था, क्या लाइनें थी उसकी? नहीं, उसके अंदर भी बैकग्राउंड स्कोर ही था। अच्छा, बैकग्राउंड। हाँ, सॉन्ग्स नहीं थे। सॉन्ग्स वाली फिल्म तो कहाँ, मतलब बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में हमने सॉन्ग्स डाले थे, 8-10 गाने डाले थे बाद में। लेकिन उन्होंने जो भी फिल्में बनाई है विवेक सर ने, यूजली उसके अंदर बैकग्राउंड स्कोर ही होता है, तो वो जो उसका बैकग्राउंड स्कोर भी है और इसका भी बैकग्राउंड स्कोर, हमने काफी ऑर्केस्ट्रल पीसेस बनाए थे, तो वो हमने बुडापेस्ट में रिकॉर्ड किए थे। एक सिंगर के लिए बैकग्राउंड निकालना कितना मुश्किल होता है? सिंगिंग कितना, बताना चाहेंगे कैसे ट्रैक को आप निकालते हैं? बैकग्राउंड की जो बात करें सिंगर के लिए, जी हाँ, मतलब बैकग्राउंड जो है एक सिंगर के लिए नहीं, कंपोजर जो है, कितना मुश्किल होता है? नहीं, काम अलग अलग तरीके, मतलब देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड स्कोर के अंदर भी जो थीम्स होते हैं बेसिकली वो मेलेडीज ही होती है, तो वो सॉन्ग मेलोडीज भी हो सकती हैं और नॉन सॉन्ग मेलोडीज भी हो सकती हैं। जैसे जिसको इसका जो मेन थीम है, जिसको हम द वैक्सीन वॉर थीम कहते हैं, तो उसके अंदर आप वर्ड्स डाल देंगे तो वो गाना बन जाएगा। कभी आपने विवेक सर को ये नहीं सजेशन दिया है कि फिल्म में 2-4 गाने भी डाला जाए ताकि स्कोप हो कहानी को उसको प्रमोट करने का ना। जी बिल्कुल। नहीं तो उनके सब्जेक्ट्स ही ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर गाने का स्कोप रहता ही नहीं है। तो वो इनफैक्ट इस जो मैं आप बता रहा हूँ आपको जो मेन थीम है उसको गाने में कन्वर्ट करने की बात चल रही थी, बट फिर ये लगा कि नहीं उससे फिर इमोशन जो है वो स्पेसिफाई हो जाते हैं, जैसे शब्द आ जाते हैं एक थीम के अंदर तो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है। तो उनका ये था कि नहीं हमें स्पेसिफिक कुछ रखना नहीं है, जो भी है वो बैकग्राउंड स्कोर से ही कहेंगे। गानों की बात की जाए तो शब्दों के बहुत मायने रखते हैं, शब्द कहीं ना कहीं असर छोड़ जाते हैं। बगैर शब्दों के म्यूजिक तैयार कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। हाँ मतलब उससे इमोशन क्रिएट करना तो मुश्किल ही होता है, सही बात है ये तो। मतलब क्योंकि शब्द होंगे तो आपको काफी सहारा मिल जाता है वो इमोशंस स्पेसिफाई करने के लिए, बट उसके बिना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही काम है। आप अपने आप को मुकम्मल म्यूजिक कंपोजर मानते हैं कि उसको मानने के लिए और वक्त लगेगा? इस तरह की फिल्में आपके लिस्ट में होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने फिल्में ऐसी भी की जिसमें 11 गाने हैं, जैसे अनारकली ऑफ आरा एक फिल्म थी, वो भी कैटेगरी एक्लेम फिल्म थी, तो उसमें करीब 10-11 गाने थे। फिर अभी मेरी एक और फिल्म आई है द्वंद, 29 को रिलीज हुई है, उसमें 4 गाने हैं। तो मैं सॉन्ग्स वाली फिल्म भी करता हूँ, बैकग्राउंड स्कोर भी करता हूँ, बट मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब मेरे लिए ये भी म्यूजिक है वो भी म्यूजिक है। कोई गाना आपको जो आपको दिल पे छू गया हो वो गाना थोड़ा सा गुनगुनाते आपको जो हो रहा है कि गाना गुनगुनाते रहते हो बाथरूम में, आप खुद का गाना खुद का गाना तो एक है अभी जो रिलीज हुआ है, गाना नहीं गाना चाहिए मेरे ख्याल में, गा दो अपना चीज है, क्या करना प्रमोट करना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, अपना गाना है, गाना फीमेल वॉइस में जिया में फीलिंग उठे है हजार, ऐसे वैसी कैसी करे है पुकार, मनवा की टॉकिंग मनवा ही जाने, माने ना कहे ना मोरा करे इकरार, जिया में फीलिंग उठे है हजार। क्या बात है सर, कैसी केमिस्ट्री इनके साथ काम करके, विवेक जी के साथ, नाना के साथ आपका वास्ता पड़ा कभी? नहीं, नाना जी के साथ मेरा वास्ता बिल्कुल नहीं पड़ा। हाँ? अब पढ़ सकता है शायद, बट अभी तक तो नहीं पड़ा मेरा उनसे वास्ता। कैसी केमिस्ट्री इनके साथ पे जब विवेक जी के साथ तो मेरी केमिस्ट्री काफी, क्योंकि मैं पहली फिल्म उनके साथ बुद्धा ने ट्रैफिक जैम की थी, तो उसमें बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सारे मैंने किए थे। और उसके बाद फिर दूसरी फिल्म की थी ताशकंद फाइल्स, उसमें गाने किए थे, बैकग्राउंड स्कोर नहीं किया था। फिर कश्मीर फाइल्स की, अब ये वैक्सीन वॉर, तो 4 फिल्में हो चुकी है, तो उनके साथ तो काफी अच्छा। आज सोशल मीडिया के जमाने में जी सिंगर्स की भरमार है, म्यूजिशियंस की भरमार है, बहुत आसान प्लेटफॉर्म बन गया लोगों के लिए अपने टैलेंट को शोकेस करना। ये जो नई पीढ़ी आ रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? वाकई में बहुत ही टैलेंट की भरमार, आपको भी लगता है कि सिर्फ कुछ चंद दिनों की कहानी है? नहीं, टैलेंट तो बहुत भरमार है और बहुत बड़े अच्छे तरीके से बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है, बट मुझे ये लगता है कि जैसे अब फिल्मों से गाने काफ़ी कम हो रहे हैं और वेब सीरीज़ और वेब कंटेंट काफ़ी बन रहा है, वेब फिल्म बहुत सारी बन रही हैं, तो मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड जैसे इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है वो फिल्म से बहुत बड़ा है। मतलब हॉलीवुड में भी या वेस्ट में भी टोटल जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है उसका साइज़ और वॉल्यूम जो है वो फिल्मों के साइज़ से बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है वही दौर अब इंडिया में आने वाला है और इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। आपके रियाज की बात करें, किससे आपने सीखा है और आपके शागिर्द कौन रहे? अच्छा, गुरु कौन रहे हैं? हाँ। ये शब्दों में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, गुरु कौन रहे हैं? हाँ, तो मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा है पंडित हर्षवर्धन जी से फ्लूट पे, और वेस्टर्न क्लासिकल पियानो मैंने सीखा है प्रमोद किंगस्टन दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक से। कोई चीजें ऐसी है, मुंबई महानगरी है, हर कोई ऐसा है जो अभी तक आपको नहीं मिला मुझे ये काम करना है, कंपोज करना है, कुछ ऐसा है आपका ड्रीम? हाँ, अभी तो ड्रीम शुरू हुए। क्या है कि वो करना है कुछ? नहीं, मुझे ये है कि जितने अच्छे और मतलब सब्जेक्ट मिलते जाएं उसके हिसाब से काम किया जाए, गाने भी बनाए जाएं, बैकग्राउंड स्कोर भी किया जाए। ऐसे कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें लगता है आपको कि आप संगीत दे सकते थे? आपके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या क्या हैं जो हो चुके हैं बॉलीवुड में? अच्छा, वैसे आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि बरेली की बर्फी, बरेली की बर्फी एक मैं कहूँगा, और आप जरा कुछ याद दिलाइए तो मैं बताऊँ। ढेर सारी फिल्में हैं। आपका जॉनर कौन सा पसंदीदा है, या आपका कोई सिंगर रहा है जिसके आप गाने गुनगुनाते हैं? एक लाइन गुनगुनाएंगे आखिर में, या सिंगर कोई भी आपके गाना किसका फेवरेट सिंगर दिल के करीब आपके? अभी जो मैंने अभी गाया गाना वो शाशा तिरुपति ने गाया, मुझे वो काफी पसंद है। फिर दिव्य कुमार बहुत अच्छा गाते हैं, एक लाइन हो तो जाए। दिव्य कुमार ने भी एक गाना गाया है इसके अंदर, मतलब बट वो द्वंद में गाया है, वो है ढेरों बातें मन के भीतर करवट ले, हौले हौले आग जले, धीरे धीरे ताप लगे, ना धुआं ना जलन ना कोई चिंगारी। क्या बात, आपको द कश्मीर फाइल के बाद ये भी पिक्चर काफी सारे प्यार मिल रहा है, सोशल मीडिया भी काफी बार आपको बहुत सपोर्ट किया, इस बार भी सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोग आगे बढ़ रहे थे, किस तरह क्या रिएक्शन रहा? नहीं, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, मतलब गानों को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है अपने द्वंद के, और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको भी, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट अगर 10 रिव्यूज आते हैं तो उसमें कम से कम 7 में जो है बैकग्राउंड स्कोर बाकायदा अंडरलाइन करके मेंशन है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपका काम सराहा जाता है। सराहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विवेक जी का एक इंटरव्यू देखा तो इतने नाखो मतलब खुश नजर नहीं आ रहे जिस तरह की उन्होंने उम्मीद की थी बॉक्स ऑफिस पे, वो कलेक्शन नहीं आ रहे, क्या कारण मानते हैं आप? जवान को इसका कारण मानते हैं आप? नहीं, जवान तो इसका कारण नहीं होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी फिल्म है तो उसको चलना ही चाहिए, बट हो सकता है ग्राउंड लेवल पे, प्रमोशन लेवल पे कुछ कमी रह गई। 4 पिक्चर रिलीज हुआ उसी दिन, मतलब 4 पिक्चर रिलीज उसी दिन, करना था फुकरे रिलीज हुई थी उस दिन ना, हाँ 4 पिक्चर रिलीज हुआ था। हाँ, कौन कौन सी तो बता रहा? ये तो अपना क्या बोलते हैं वो लड़की, चलो होमवर्क करके आएंगे नेक्स्ट टाइम पे, आज के लिए इतना बहुत काफी है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।